नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे किचन कॉर्नर में। चलिए आज बनाते हैं हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक। तो स्पॉन्ज केक की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको इस पे मिलेंगी, यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किस रेसिपी से बिल्कुल फ्लैट टॉप पाएंगे और परफेक्ट स्पॉन्ज पाएंगे, ताकि आप बर्थडे के लिए ट्रूफुल केक बना सकें स्पॉन्ज के साथ में। देखिए इसमें कितनी जाली है और कितना मॉइस्ट है, ये कितना सॉफ्ट है। इसको आप मॉइस्ट बनाने के लिए इसमें कितना भी पानी सोक कर सकते हैं। अगर केक बनाने के सारे टिप्स चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर मत कहना कि ये टिप्स नहीं मिले। चलिए इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 3 अंडे और उसके साथ में 1 कप कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी, 1/4 कप मैदा, वनीला एसेंस, 1/4 कप चॉकलेट पाउडर और मिल्क मैंने ऑप्शन के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले हम अंडे के अंदर इस तरह से धीरे धीरे डालते हुए कैस्टर शुगर को बीट कर लेंगे। आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम शुरू में स्लो स्पीड पर, उसके बाद हाई स्पीड पे इसको बीट करते हैं और सारी शुगर को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और इसको क्रीमी बना लेते हैं। आप देखिए किस तरह से इसको फ्रॉथी करते हुए हम बिल्कुल क्रीमी कर देंगे, इसका टेक्सचर बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा इस तरह से। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया, इसका बिल्कुल वाइट हो गया है और ये लगभग डबल हो जाता है हमारा जो क्वांटिटी है, पूरा बोल भर गया। अब इसमें मैं देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है मैंने आपको दिखाई, इस तरह से देख लेते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे। जैसे मैंने लिया है 1/4 कप केक फ्लार। केक फ्लार का मतलब है कि 1/4 कप मैदा, तो उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाया हुआ है और 1/4 कप मैंने इसमें अब चॉकलेट पाउडर डाल दिया, कोको पाउडर। एक चीज़ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाना भूल गई थी कि 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको इस तरह से हम सीव कर लेंगे अच्छी तरह से। हम क्यों छानते हैं ये आपको पता ही है कि जिसमें एयर आ जाए, जितना हम इसको अच्छी तरह से छानेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे उससे क्या होता है, ये थोड़ा एयरी हो जाता है, जो कि केक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो केक बैठ जाता है। ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, ये मैंने कई रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद जो बेस्ट रेसिपी थी वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। मैंने आपसे वायदा करा हुआ है कि मैं बेस्ट रेसिपीज़ ही आपको बताऊँगी, जिससे आपके केक में कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, टिन को ग्रीस कर लेंगे। इसको मैंने पहले ग्रीस किया और उसके बाद डस्ट कर लिया, मतलब कि थोड़ी सी मैदा डाल के इसके ऊपर डस्ट कर दी। ये चीज़ मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ के अंदर दिखाया हुआ है। अच्छा, हम अगर डस्ट ना करना चाहें तो एक तरीका है कि टिन को इस तरह से हम इसमें पार्चमेंट पेपर लगा कर भी इस टिन को यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने टिन को यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने टिन तैयार कर लिया, अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। जो हमारा लिक्विड था जो बीट कर रखा था उसमें मैंने वनीला एसेंस और 1/2 कप ऑयल का डाला है। ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल से क्या होता है कि केक मॉइस्ट रहता है। अगर हम बटर यूज़ करते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसलिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पर्पस सिर्फ इसको मॉइस्ट रखने का है। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको इस बिल्कुल मॉइस्ट केक बता रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल डाला। अब इसको बीटर से बीट कर लिया था हमने एक बार, दो सेकंड के लिए, बस मिक्स करने का हमारा पर्पज़ होता है। इसके बाद बीटर को रख देते हैं, बीटर को का कोई यूज़ नहीं है उसके बाद। अब हम थोड़ा थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ इसलिए नहीं डालते क्योंकि लंप बन जाता है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि इस बीच में आप अपना ओवन भी ऑन कर लें, क्योंकि हमें ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है 180 डिग्री के ऊपर। तो ओवन 180 डिग्री पर आप प्री हीट होने के लिए चालू कर दें। प्री हीट करते समय दोनों रॉड्स ऑन होनी चाहिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और जिस समय हम बेकिंग करेंगे उस समय केवल नीचे की रॉड को हम चलाएँगे और
टेम्परेचर भी हम उस समय डाउन कर देंगे, क्योंकि जितना हम डाउन टेम्परेचर में बनाएंगे केक को उतना ही फ्लैट टॉप आता है। तो मैं इसको 160 डिग्री के ऊपर ही बेक करूँगी और 35 से 40 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने बैटर बना लिया, ये मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। कभी भी इस समय हमें, जिस समय हम इस तरह से मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा स्लो मोशन में करना चाहिए, कभी भी हैंड बीटर से नहीं करना चाहिए, फास्ट उसमें नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे केक के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, उससे भी केक अच्छी तरह से फूल नहीं पाता है। कई बार ये वाली शिकायत भी आती है कि अगर हमने हैंड बीटर से बीट कर दिया तो केक बैठ जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब मैं इसको केक को के बैटर को टिन में डालूंगी, और ये ध्यान रखिएगा कि टिन हमेशा इतना बड़ा होना चाहिए कि आधे से नीचे रहे बैटर। फ्लैट टॉप पाने का एक तरीका ये भी है कि टिन जो हम डालते हैं वो आधे से कम भरा हुआ हो, ऊपर तक भर जाएगा, आधे से ज़्यादा भर गया तो डोम निकल जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो बीच में से उसको ऊपर उठा देती है पूरा का पूरा, और जितना ज़्यादा बैटर होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर हीट अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो इसको अब हम 160 डिग्री के ऊपर, हमने प्री हीट किया था 180 डिग्री के, लेकिन अब हम इसको पकाएंगे 160 डिग्री के ऊपर। 160 डिग्री के ऊपर हम इसको पकाएंगे 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट्स हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। चलिए अब देखिएगा ये आ गया निकल के केक, देखिए बिल्कुल फ्लैट टॉप है, टिन पूरा ऊपर तक भर गया है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप कितना वो फूल गया है। अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए ये निकल गया बढ़िया स्पॉन्ज, क्लियर स्पॉन्ज, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट टॉप, ये गर्म है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद हम इसकी आइसिंग करते हैं हमेशा। ये मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हम आइसिंग करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर चॉकलेट डालते हैं या गनाश बनाते हैं। मैंने गनाश की भी वीडियो आपको डाली हुई है, आप चाहें तो मेरे प्रीवियस उसमें देख सकते हैं कि कैसे हम गनाश बनाते हैं। देखिए कितना बढ़िया, कितना स्मूथ केक है, देखिए ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं ये इसके अंदर कितनी जाली आई है। हालांकि मैंने आपको दिखाने की वजह से इसको मॉइस्ट नहीं किया, इसमें मैंने पानी सोक नहीं किया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि कितनी जाली है, मॉइस्ट होने के बाद आपको दिखाई ना देती। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।